हेलो एवरीवन। सो आप लोग जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो कल फाइनली इंडियन आर्मी ने आपका शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनका नेम जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो देखते हैं ये ऑफिशियल वीडियो हम आपका। इसमें देखिए स्क्रीनिंग प्रोसेस और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन जो है नीट यूजी के लिए, इसकी जो डेट है, जो जिस दिन ये शॉर्टलिस्ट हुआ है, ये 4 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें इन्होंने सेम सब चीज़ लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो भी होगा, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू, ये सब आपके होंगे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए, जो कि 10 अक्टूबर को होगा। और ये सारा सिर्फ आपका एक ही सेंटर होगा, बेस हॉस्पिटल दिल्ली में, ठीक है। तो इसकी जो लिस्ट है कैंडिडेट की वो साइट पर डिस्प्ले हो चुकी है। कल एक्चुअली साइट बहुत ज़्यादा क्रैश कर रही थी, उस पर हैवी ट्रैफिक था, तो इस वजह से ये नोटिफिकेशन भी नहीं खुल रहा था एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्ट भी नहीं खुल रहा था। तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं, अब आप लोग को दिख जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो जो एडमिट कार्ड हैं वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए डाउनलोड होंगे जिनका आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ठीक है, और उन्हीं का इंटरव्यू भी होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो आप लोग बहुत पहले डिस्टर्ब हो रहे थे कि डैशबोर्ड पे एडमिट कार्ड दिखा रहा है, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि ऐसे नहीं होता है, आपका नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ होगा। तो फाइनली आज आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड जो है वो बाकी सारे जो हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट होंगे, और जो भी आपको डाउन अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई वो है, तो आप इस मेल आईडी पे आप लोग मेल करके भी पूछ सकते हैं, और टेलीफोनिक यहाँ पे नंबर भी दे रखा है, आप इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका आपका सिलेक्शन हुआ है और जो शॉर्ट लिस्ट में हुए। बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द एमएनएस एग्जामिनेशन। तो उनका किस किस का हुआ है आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड जिस कैंडिडेट का नहीं हुआ, जिन भी कैंडिडेट, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, दे उन सब का ही नहीं हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ सैड में तो ये मैं शाम में एक वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी कि अब आप लोग कैसे आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आप लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो और भी ऑप्शंस की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, अगर आपको डिफेंस ही ज्वाइन करना है स्पेशली, तो ठीक है। तो आप लोग अगर चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनवाना, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड जिन कैंडिडेट्स का होगा उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये तो बच्चों आप लोग ने अभी फर्स्ट फेज अपना पार किया है, अभी सेकेंड जो है वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 10th को होना है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जीके और इंग्लिश को साथ साथ पढ़ते जाइए, बिकॉज ये लोग लास्ट में टाइम नहीं देते हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हैं 5 को नोटिफिकेशन निकाला है और 10th को सब कुछ है, तो तभी मैं आप लोगों के बीच बीच में पहले भी इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट लेती थी। रीज़न यही था कि पिछली हर बार ये लोग ऐसे ही करते हैं, 4-5 दिन पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग सैड या डिप्रेस मत होना, शाम में मैं लाइव आके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिए। तब तक के लिए थैंक यू।